चाय वाला नहीं फिजिक्स वाला बनूंगा। कोई ठोकर उन्हें गिरा नहीं सकता और कोई मुसीबत उन्हें रुला नहीं सकता। जिन्हें जीतने की जिद होती है कोई हार उन्हें हरा नहीं सकता। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अलक पांडे सर जी के बारे में। उनकी कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं आज उनके बारे में कुछ खास बातें बताऊंगा। महज 5 सालों में ही उन्होंने अपनी गरीबी को पीछे छोड़ते हुए 5,000 की वो नौकरी कर रहे थे और वहाँ से वो संघर्ष करते हुए सिर्फ 5 सालों में 8,000 करोड़ की संपत्ति बना लिए। और इतना ही नहीं, जिनका कोई पहचान नहीं था वो महज 5 सालों में 8 मिलियन सब्सक्राइबर कर बैठे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे अलक पांडे सर जी के बारे में। एक दिन अलक जी एक चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। वो काफी उदास थे। उनकी बहन उनको ढूंढती हुई वहां पहुंची और पूछी कि क्या तू चाय वाला बनेगा। तभी उन्होंने कहा कि चाय वाला नहीं फिजिक्स वाला बनूंगा। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1991 ईस्वी में यूपी के प्रयागराज में हुआ था। उनके माता जी का नाम रजत पांडे और पिता का नाम सतीश पांडे था। उनका बचपन बहुत ही संघर्ष में गुजरा। अब जो बच्चे ही थे उनका घर बिक गया, उनको झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ा। लेकिन उनको एक बात की खुशी थी, उनके पिता ने एक वादा किया था कि वो उनको नई साइकिल देंगे। वो काफी खुश थे उन्हें साइकिल मिला। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनके जिंदगी का साइकिल पंचर हो जाएगा, क्योंकि घर में इतनी परेशानी थी। इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्लास 8 में ही उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि जिसे भी पढ़ाएं पूरे दिल से, पूरे ईमानदारी से पढ़ाएं, और किसी भी बच्चा का यदि वो गरीब है तो पैसा किसी भी तरीके से बाधा न बन पाए। उन्होंने इस बात का हमेशा ही ख्याल रखा और सबको पूरे दिल से पढ़ाया। अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक कोचिंग को ज्वाइन किया। वहाँ उन्हें महीने में 5,000 रुपए मिलते थे। लेकिन उनके मन में ख्याल था कुछ बड़ा करने को, इसलिए वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहे। 2016 के आसपास उन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया और नाम रखा फिजिक्स वाला। दोस्तों, शुरुआत के 1 साल में उनको व्यूज नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। वो कोशिश करते रहे, बस देखते देखते लोगों को उनका वीडियो पसंद आने लगा। फिर क्या था, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। बच्चों को और खास करके विद्यार्थियों को उनका वीडियो बहुत ही पसंद आया। लोगों को ये लगा कि इनमें कुछ विचित्र बातें हैं। उनका समझाने का तरीका बहुत ही अलग था। उनकी आंखों में जो आत्मविश्वास था और आवाज में जो मिठास था, लोगों के दिलों पर राज करने के लिए काफी था। देखते ही देखते उनका सब्सक्राइबर 8 मिलियन क्रॉस करने लगा और वो 5,000 की नौकरी से 8,000 करोड़ की संपत्ति बना चुके थे। उनके एक मित्र थे, उनका नाम था प्रतीक महेश्वरी। He is the man behind physics wala, he is the man behind Alak Pandey. He is a personality जो कैमरे के सामने नहीं आता, but जिसने physics wala बनाने में I think सब कुछ लगाया है। वो बताते हैं कि प्रतीक जी ने उनकी बहुत हेल्प की। वो मानते हैं कि प्रतीक जी उनके रीढ़ की हड्डी के समान है। यदि उनका मदद नहीं मिला होता तो शायद वो आज इतनी सफल नहीं हो पाते। अलक जी कहते हैं कि एक दिन तेरा भी कटेगा, तू भी फिजिक्स पढ़ेगा। वो कहते हैं कि जो टीचर सिर्फ
पढ़ाते हैं वो अपना जीवन खत्म कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ाएं जो मजबूर है, परेशान है। उनका जो मित्र है खान सर और अलग सर, दोनों के मन में यही ख्याल है कि समाज और देश को बढ़ाने के लिए शिक्षा जरूरी है, और दोनों मिलकर इसी काम को अंजाम देते हैं और लाखों बच्चों को इसका फायदा मिलता है। लाखों बच्चों का सपना होता है कि वो नीट जी एनडीए में सफलता को प्राप्त करें, लेकिन इसका कोर्स इतना महंगा होता है कि आम बच्चों के पहुंच के बाहर होता है। वो चाहकर भी इस कोर्स को नहीं कर पाते, लेकिन अलग सर जी ने क्या किया, इस लाखों के कोर्स को महज 3 से 4 हजार रुपए में उपलब्ध करा दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि आज देश के लाखों बच्चे अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। इसके लिए पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है अलग सर जी को। जिंदगी एक गाड़ी का नाम है, जैसे गाड़ी को जिंदगी में चलना पड़ता है वैसे जिंदगी को भी गाड़ी बनकर चलना पड़ता है। अलग सर ने अपने जिंदगी को गाड़ी बनाया और अपने गति को जारी रखा ताकि वो देश और समाज में ऐसे बच्चों की मदद कर सके जो बच्चे अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और आज देश के लाखों बच्चों को उन्होंने सफलता दिलाया। एक समय उनको लगा था उनके जिंदगी का साइकिल पंचर हो जाएगा, लेकिन जब उन्होंने कोशिश किया और उनके 8 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तब लगने लगा कि उनकी जिंदगी की साइकिल स्पीड पकड़ रही है, उनकी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही है, और उन्होंने इसको करके दिखाया। दोस्तों, जब कोई सफल होता है तो उसके कुछ शत्रु भी दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। उनके साथ भी ऐसा हुआ था, कुछ लोगों ने चाहा था उनके कोचिंग को बंद कर दिया जाए, उनके काम को बंद कर दिया जाए, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा यदि कोई मेरा एक टीचर छीनेगा तो मैं सैकड़ों अलग पांडे पैदा करूंगा। उन्होंने दिखा दिया, और उनके इस काम में उन्हें बच्चों का जो सपोर्ट मिला, जो साथ मिला, उसने दुनिया को दिखा दिया अगर मन में चाहा तो कोई भी काम असंभव नहीं है। दोस्तों, यदि आप भी अलग सर के फैन हैं, उनके काम को पसंद करते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो मैं अलग सर जी से बोल दूंगा और आपको डांट पड़ेगा।